खरगोन शहर के औरंगपुरा क्षेत्र में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसके विरोध में रहवासियों ने मोर्चा खोला और कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए। हम आपको बता दें कि लोगों का आरोप है कि एक साइड के मकानों को तोड़ा जा रहा है, जबकि सड़क के दूसरे किनारे पर मकान यथावत बने हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि सड़क के दोनों ओर 26 फीट का अतिक्रमण तोड़कर सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाए, ताकि इस कार्य में वे भी अपना योगदान दे सकें। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। निवेदन कर रहे हैं, इस निवेदन को कोई बड़ा रूप नहीं मिले, इसलिए इनमें सहयोग की भावना करना चाहिए। एक तरफ से हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं जो यहाँ रह गया वो वहीं रहेगा, और एक तरफ से आवास योजना का 2022 तक टारगेट करा है, दूसरी तरफ से ये उजाड़ने के नोटिस दे रहे हैं 3 दिन से। एक छत इनके पास है, वो भी अगर नहीं रही तो मजदूर आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाएगा, जाएगा कहाँ इस बीमारी के अंदर। और मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूँ कि 3 दिन का नोटिस दिया, इसको सरकार थोड़ा सा अमल करके वापस ले ले और थोड़ा समय विचार करे कि कहाँ जाएंगे। इस समय पर विचार और इस जो घटनाक्रम घट रहा है, ये रोड तो बनते रहेंगे बिगड़ते रहेंगे, पर कोई आत्महत्या कर लेगा तो इसकी जवाबदारी सरकार की स्वयं रहेगी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अगर सरकार को परेशानी आ रही है तो 26 इधर और 26 इधर से लेकर उनका काम भी हो जाए और हमारी भी दाल रोटी लगी रहे और हम मां निवास हमारी छत बरकरार रहे। क्या नाम है आपका? विक्रम रघुवंशी, पूर्व पार्षद विक्रम टेलर के नाम से। सर, मैं औरंगपुरा निवासी हूँ, अनीता परमार, पूर्व पार्षद, और मेरे यहाँ के लोग सारे बिल्कुल रोड पे आसपास में ही अपनी जीविका चलाते हैं। 2 साल से कोविड के कारण सब परेशान है, तीसरी लहर और इतनी खतरनाक है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, और इस बीच में अतिक्रमण तो वो झेल नहीं पाएंगे उस चीज़ को, और रोजगार धंधा उनका सब यही के यही है, और जो एक तरफ का काम हो रहा है वो गलत है, उसको बीच गोले से लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, दोनों तरफ के लोग उसमें संतुष्ट रहेंगे। सारे गरीब लोग हैं और 125 साल से यहाँ रह रहे हैं। क्या नोटिस वगैरह भी दिए आप? नोटिस वगैरह दिए हैं? हाँ दिए हैं, सारे लोग ज्ञापन भी दिया है और मैडम से मिलने भी लोग आए हैं इसीलिए। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि बीच से बराबर लिया जाए, जैसे सब लोग संतुष्ट हो, सबका रोजगार धंधा चलता रहे और अपने अपने लोग अपने घरों में ही रहे। अभी इस समय अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, सब रोजगार वाले लोग हैं, महिला वर्ग पर व्यक्ति भी सारे लोग काम पे ही जाते हैं, आज अपना सब काम छोड़ के यहाँ आए हैं, एक दिन की मजदूरी गई अलग, बाकी फिर भी मैडम को बताने आए हैं कि हमारे सब ऐसा काम करें कि सब सुरक्षा, प्रकृति पहले ही मार रही है, ऊपर से प्रकृति पहले ही मार रही है, उसमें सरकार मारेगी तो फिर क्या होगा। क्या नाम है आपका? अनीता परमार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।